जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की 6 अनोखी बातों के बारे में। इनमें से कौन सी बात आपको नहीं पता थी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। पुराणों और ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन देखने को मिलता है। विश्व प्रसिद्ध वाराणसी, जहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं, अपने प्राचीन मंदिरों और खानपान के लिए विशेष रूप से चर्चित है। यहां प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की अनोखी बातों की, तो सबसे पहले तो यहाँ एक साथ विराजते हैं शिव और शक्ति। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दो हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने हिस्से में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजती हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। विशेष बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजते हैं, और ऐसा अद्भुत संयोग दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। माना जाता है कि यहाँ पर आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सभी अपने अंतिम समय में काशी आना चाहते हैं, क्योंकि मान्यता है जिसके प्राण काशी में निकलते हैं वो तर जाता है। दूसरा, तांत्रिक सिद्धि के लिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। विश्वनाथ दरबार में ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है, और इसे तांत्रिक सिद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तंत्र साधना के लिए यहाँ बहुत से साधु संन्यासी आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में 4 प्रमुख द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निर्वृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र विद्या में अलग से वर्णन मिलता है। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है और तंत्र द्वार भी इनके साथ है। तीसरा, मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग ईशान कोण में स्थित है और मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। इसी से यहाँ पर प्रवेश करते हुए श्रद्धालुओं को बाबा के अघोर रूप में दर्शन होते हैं, साथ ही समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर उनके त्रिशूल पर विराजमान है, इसलिए यहाँ कभी प्रलय नहीं आ सकती। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजते हैं, और दिन में वे काशी में गुरु रूप में और रात को 9 बजे अपनी श्रृंगार आरती के बाद राजा के वेश में भ्रमण करते हैं। यही वजह है कि यहाँ शिव को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। चौथा है, आक्रमण के दौरान भी सुरक्षित रहा शिवलिंग, किस प्रकार जानते हैं? औरंगजेब ने अपने समय में देश के कई जगह आक्रमण किए थे, और वह वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए भी आया था। माना जाता है कि उस समय में मंदिर में मौजूद लोगों ने शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे मंदिर के पास ही बने कुएं में छुपा दिया था। यह भी माना जाता है कि उस कुएं के अवशेष आज भी मंदिर के पास मौजूद है। नंबर 5, अहिल्याबाई ने कराया था मंदिर का पुनर्निर्माण। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू दर्शन के लिए आते हैं, उस मंदिर को दोबारा बनाया गया है। पुनर्निर्माण के बाद इसमें शिव और शक्ति की फिर से पूजा अर्चना शुरू की गई थी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में स्वयं भगवान शिव ने अहिल्याबाई को सपने में दर्शन दिए थे और उन्हें इस जगह पर मंदिर निर्माण के लिए कहा था। रानी अहिल्याबाई ने जब इस मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की थी, उसके कुछ साल बाद महाराज रणजीत सिंह ने मंदिर में सोना दान किया था। माना जाता है कि महाराज रणजीत ने लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान कर दिया था, और उसी से मंदिर के छत्रों पर सोना चढ़ाया गया था। नंबर 6, मंदिर के ऊपर सोने का छत्र। इस मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है, जिसे चमत्कारी माना जाता है। मान्यता यह है कि इस छत्र के दर्शन करने के बाद भक्त जो भी कामना करते हैं,
वह कामना अवश्य ही पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय ना लिखना भूलें। सावन माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।